काफी बड़ा है। हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल व्लॉग्स राहुल पे फिर से आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। आज मैं आप लोगों को लेके आ गया हूँ जंगल सफारी दिखलाने के लिए। जंगल सफारी ओपन हो चुके हैं, पुरखोते मुक्तांगन भी ओपन हो चुके हैं। अभी लॉकडाउन के बाद में क्या स्थिति है वो देखने वाली बात है। मैंने एक गाड़ी यहाँ पे पार्क कर दिया है तो सामने में है जंगल सफारी और यहाँ पे चाय नाश्ता करने के लिए कुछ कुछ दुकानें खुल चुके हैं। टिकट काउंटर जस्ट सामने में है और यहाँ पे कुछ कुछ फैमिली आए हैं घूमने के लिए। मास्क लगाना जरूरी है और ये शानदार सा गार्डन जैसा बना हुआ है सामने में। तो दोस्तों यहाँ पे नाम पता मोबाइल नंबर ये सारी चीज़ें यहाँ पे एंट्री किया जा रहा है। गाइस यहाँ पे नोटिस भी लिखा हुआ है, देख सकते हैं 65 साल की उम्र से अधिक और 10 वर्ष से जो बच्चे हैं 7 साल 8 साल के वो जाने नहीं देंगे। इस साइड में है टिकट काउंटर, लोगों को यहाँ का प्राइस भी दिखला देता हूँ। ये हेलमेट रखने पीछे साइड में है। तो गाइस ये है लगेज रखने का जहाँ पे आप बैग वगैरह रख सकते हो, हेलमेट। तो मैंने ले लिया है टिकट, तो मैंने जू और जंगल सफारी दोनों का मैंने लिया हुआ है। टोटल का प्राइस बता दूं मैं आप लोगों को, 150 रुपए का जो प्राइस है। और यहाँ पे जगह जगह पे सैनिटाइज दिया हुआ है, यहाँ पे सैनिटाइज दिया हुआ है तो सैनिटाइज करते हुए ही आपको जाना है अंदर। सैनिटाइजर का बना हुआ है लेकिन अभी फिलहाल चालू नहीं है। अब ये देखिए काफी खूबसूरत सा बना के रखे हुए हैं। मान्य श्री नरेंद्र मोदी जी, तो आप देख रहे हैं काफी खूबसूरत सा है। मैं 1 साल के बाद मैं दोबारा आ रहा हूँ जंगल सफारी में। जंगल सफारी करके लिखा हुआ बहुत खूबसूरत सा दिख रहा है। लोग यहाँ पे आते हैं पिकनिक मनाने के लिए लेकिन अभी के डेट में तो कोई भी नजर नहीं आ रहा है। ये हमारे छत्तीसगढ़ के योद्धा हैं जो शेर के साथ में रहना पसंद करते थे और उनका साथी और उनका मित्र यही था। तो बहुत खूबसूरत सा है, सीधा ही चलते हैं। वेटिंग हॉल पे वेट करना पड़ेगा। बैठने के लिए भी दिया गया है, जैसे कि कोई फैमिली आते हैं पिकनिक मनाने के लिए तो पिकनिक मना सकते हैं। इस साइड भी दिया गया है बैठने के लिए। हमें शेर वगैरह देखने को मिलता है या नहीं मिलता है, एक्चुअल में मैं वही देखने के लिए आया हूँ क्योंकि जंगल का राजा है हमारा शेर। वो दिख जाए तो फिर अपने जो पैसे हैं वो वसूल हो जाएंगे। वैसे यहाँ पे चिड़ियाघर भी खोला हुआ है, अगर सफारी में नहीं दिखेगा तो कम से कम चिड़ियाघर में अपने को देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे बैठ के मस्त खा भी सकते हो लेकिन अंदर में खाना पीना मना है। वेटिंग हॉल जाने का मार्ग, इस पेड़ के नीचे बैठने का मजा ही कुछ और है। अब एक बार मैं आप लोगों को घूम के दिखला देता हूँ। काफी बड़े एरिया में है ये गार्डन, देखना ये है कि किस तरह से बैठाया जाएगा गाड़ी में। तो ये है वेटिंग हॉल और यहाँ पे काफी कुछ जानवर के पोस्टर लगे हुए हैं जिसे आप देख सकते हैं। सारे जानवर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको एंट्री कराना पड़ता है जिसमें आपको नंबर मिलने वाले हैं, जैसा कि मेरा 67 है। तो ये हमारी गाड़ी लगी हुई है, ये देखिए गाड़ी। अब यहाँ पे काफी लोग बैठे हुए हैं। तो मैं बैठ चुका हूँ, दूसरी साइड से आ रहे हैं अभी, रॉन्ग जगह पे बैठा हुआ हूँ मैं। गाड़ी है वो चलना स्टार्ट हो गया है। अरे भाई उछल कूद हो रही है। Yeah.
गाइस यहाँ पे हम लोगों को हिरन देखने को मिलने वाला है, देखते हैं दिखाई देता है या नहीं। अरे वाह, बहुत सारे सेट दो। तो गाइस इतने सारे हिरन है यहाँ पे और बच्चे भी हैं, बहुत सारे हैं। इस साइड भी देखेंगे तो काफी सारे हैं, हिरन है। सूरज की वजह से दिख नहीं रहा होगा अच्छे से आपको, काफी सारे हैं। मेन तो शेर है, शेर बस दिख जाए। देखो पानी पी रही है। तो गाइस ये है नील गाय, काफी सारे हैं यहाँ पे। अब ये सेकंड पे आए हैं, क्या हो गया भाई। अभी हम लोगों को भालू दिखने वाला है, उसी का वेट कर रहे हैं हम लोग कि कहीं पे हमें भालू दिख जाए। जैसा दिखता है मैं आप लोगों को दिखलाता हूँ। गाइस तो अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, अब जाएंगे टाइगर वाली पॉइंट पे। यहाँ पे एक गाड़ी निकली नहीं है, दूसरी गाड़ी यहाँ पे आ गई है। तो अभी एंट्री करने वाले हैं टाइगर सफारी में। तो गाइस यहाँ जस्ट सामने में ही खड़ी करके बतला रहे हैं। काफी बड़ा है क्या। रोको ये जा रही है। देख लीजिए टाइगर, रियल में जब देख रहे ना भयंकर बड़ा है भाई टाइगर। बड़े भी बहुत बड़े ना, रुको यार बहुत बड़ा, रुक के भी आधे घंटे यहीं रुको। आगे और बढ़ रहे हैं, देखते हैं यहाँ पे चार टाइगर है। अपने को भी आ गए हो? आना तो ना, क्या दिक्कत है। तो एक शेर और दिखने वाला है हम लोगों को, वापस आ रहा है। अरे पानी दे पानी। ओहो गाइस तो ये देखिए कैसे जा रही है, काफी हेल्दी है। गाइस तो अब फाइनली हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। वो वाली नेचुरलिटी तो रहती है।
हैं सफारी देखने के लिए। गेट खोला जाएगा, ये देखिए यहाँ पे गेट खोला जा रहा है भाई साहब। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सी सफारी देखने के लिए। गाइस सुनिएगा आवाज आ रही है, काफी बड़ा है, देख लीजिए। रियल में जब देख रहे हैं आगे बढ़ के और देखते हैं। गाइस अब सीन देख के हम लोग वापस जा रहे हैं। ये अच्छी बात है कि स्टार्टिंग में ही हमें देखने को मिल जा रहे हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं जो इस, मैं अभी जू देखने वाला हूँ। जिस गाड़ी पे मैं बैठा हुआ था उस गाड़ी पे बहुत ज़्यादा डस्ट उड़ रहा था, तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा उस टाइप की गाड़ी में आप बैठें और उसमें अपने अच्छे से दिखता भी नहीं है। तो यहाँ पे एंट्री जो फीस है वो 50 रुपये है, आपको सैनिटाइज करना पड़ेगा। यहाँ पर मशीन दिया गया है, ये देखिए 200 मीटर सीधा वाइट टाइगर। तो ये गेट अभी बन चुका है, इसका उद्घाटन कब है शायद है। अच्छा तो गाइस 200 मीटर अभी हम लोगों को पैदल चलना है। खुशी की बात यह है कि आज मैं सफ़र कर रहा था जंगल सफारी में, स्टार्टिंग पे ही मुझे जानवर देखने को मिल गया है, तो मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ। और वैसे देखा जाए तो आपको सफारी घूमने में कम 1 घंटे लग जाएंगे अगर आपको जानवर दिखते हैं तो। अगर जानवर नहीं दिखते हैं तो आपको आधे घंटे में घुमा फिरा के जू में छोड़ देंगे, अगर आपने जू का टिकट कटाया है तो। पे देख सकते हो व्हाइट टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर, ये सब कुछ लिखे हुए हैं जो सामने साइड में है। क्या खूबसूरत सा दिख रहा है यहाँ पे। अगर आप पढ़ने का शौकीन हो, जानवर के बारे में जानना चाहते हो, तो बोर्ड पे मेंशन किया गया है। इस साइड में देखिए मस्त बैठ के खाना पीना कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे बाहर का कोई भी सामग्री अलाव नहीं है। इस यहाँ पे बैठ के अपने फैमिली के साथ कुछ पल बिता सकते हो, बहुत अच्छा सा बना के रखे हुए हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या खूबसूरत सा बना के रखे हुए हैं। यहाँ पे कौन सा जानवर देखने को मिलेगा, व्हाइट टाइगर, ये अच्छा लगा मुझे। देखते हैं जानवर देखने को मिलता है कि नहीं। यहाँ पे लिखा हुआ है सफ़ेद बाघ। अब ये देखिए एरिया क्या शानदार सा बना के रखे हुए हैं, वहाँ पे व्हाइट टाइगर लेटे हुए हैं, है ना, बहुत खूबसूरत सा बनाया हुआ है। अब टाइगर भी देखते हैं, और देखिए पूरे खुले में ये काफ़ी बड़े एरिया में बना के रखा हुआ है। यहाँ पे व्हाइट टाइगर है, मेरे ख्याल से यहाँ पे 2 टाइगर हैं, एक तो अभी फिलहाल लेटा हुआ है, दूसरा अभी पता नहीं कहीं छुप के बैठा हुआ है। यहाँ पे व्हाइट टाइगर अभी फिर से उठ चुका है, ये देखिए कैसे टहल रहा व्हाइट टाइगर, वो काफ़ी हेल्दी है। तो गाइस चिड़ियाघर में आपको जानवर दिखेंगे, इसीलिए चिड़ियाघर बनाया गया है, तो आप कभी निराश नहीं होगे। बस शर्तें ये है कि दोपहर को मत आइएगा 1 से लेके 2:30 बजे तक, क्योंकि ये विश्राम करते हैं, आपको सोते हुए दिखाई देंगे। गाइस तो ओपन हो चुका है, तो विजिट जरूर से करिएगा, काफ़ी अच्छा लगेगा। वैसे भी लॉकडाउन की वजह से कहीं हम लोग घूमने फिरने गए नहीं हैं। पूरे पत्ते हैं, इसका जो कलर है वो यूनिक लग रहा है। और यहाँ पे टॉयलेट वगैरह दिया हुआ है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, पीने का पानी। अब यहाँ पे देखते हैं कौन सा जानवर है इस साइड में। यहाँ पे डिटेलिंग दिया गया है, सिंह, तो यहाँ पे सिंह है। अब देखते हैं गाइस यहाँ पे, अच्छा वो सामने है, ये देखिए। नहीं पता, तो नाच गाना नहीं करने वाला।
तो यहाँ पे अभी एक सिंह दिखे हुए हैं, यहाँ पे टोटल तीन है करके बतलाए हैं गाइस। तो एरिया की बात करूँ तो देखिए काफी बड़े एरिया में ये बना हुआ है। एक्चुअल में रहने का जो स्थान है वो जस्ट उस साइड में है। अरे भाई साहब क्या खतरनाक दिख रहा है, फिर बैठ गया वहीं पे। क्या खतरनाक दिख रहा है, बहुत सारा सो रहा है। रिकॉर्ड आप कर रहे हो ना? देखिए गाइस हम सामने में ही है। वही है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या देखने को मिलता है हमें। तो सेक्शन वाइज बांटा हुआ है, अब ये वाले सेक्शन में जाके देखते हैं यहाँ क्या देखने को मिलता भाई। ये कांच का बना हुआ है भाई साहब ये। तो चलिए ये यहाँ पे बैठा हुआ मस्त गाइस, तो जस्ट सामने पे ही बैठा हुआ है और काफी बड़े एरिया में इसको दे दिया है, लेकिन चारों तरफ से पैक है क्योंकि ये छलांग मार के बाहर निकल सकता है। तो एरिया की बात करूँ तो ये देखिए काफी बड़े एरिया में इसको बनाया हुआ है, बहुत खूबसूरत सा है। सामने में कांच का पूरा पर्दा दिया गया है गाइस। तो अब वो वाले सेक्शन में चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं। ठीक है, सब दौड़ दौड़ के जा रहे हैं देखने के लिए। तो यहाँ पे है रॉयल बंगाल टाइगर, ये देखिए। यहाँ पे आपका पैसा वसूल हो जाएगा चिड़ियाघर में, सफारी में कभी कभी आपको देखने को मिलेगा। तो वो देखिए बंगाल टाइगर कैसे चल रही है, काफ़ी दूर में। और एरिया की बात करूँ तो काफ़ी बड़े एरिया में बना के रखे हुए हैं। अब थोड़ा सा नज़दीक चलते हैं, देखते हैं पास से बंगाल टाइगर कैसे चलते हुए आ रहा है। पास से देखने में बहुत खतरनाक दिखता है भाई साहब, क्या खतरनाक है। अभी फिलहाल एक ही नजर आए हैं, अभी कितने हैं ये आइडिया नहीं है। अरे और आगे आना चाहिए था, हम लोग खुले में गाइस अगर एक छलांग मारता है तो अपना काम खत्म है, लेकिन नहीं मार पाएगा। डरने वाली कोई बात नहीं है, सेफ्टी से बनाया हुआ है जंगल सफारी जू को। गाइस तो अब आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं आगे हमें क्या देखने को मिलता है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं जो अंदर की जो इच्छा है ना और देखने को मन कर रहा है कि कहाँ पे क्या बना हुआ करके। आते समय मैं ये भी देख लूंगा, पहले यही देख लेते हैं इस साइड में क्या है। अच्छा यहाँ पे है हिमालयन भालू, तो ये हिमालयन भालू है इस साइड में, देख लेते हैं दिख रहा है कि नहीं। उस साइड तो बैठा हुआ है भालू का जो सेक्शन है, ये भी काफ़ी बड़े एरिया में बना के रखे हुए हैं। ये रहा भालू जो पत्थर के जस्ट पीछे साइड में छुपा हुआ है। ये गाइस भालू सामने से दिख रहा है उसका चेहरा, लेकिन पत्थर के पीछे करके अच्छे से दिख नहीं रहा, वहाँ से हिल भी नहीं रहा है वो। ये देखिए जीभ निकाला, क्या खा रहा तो पता नहीं, लेट गया। ये देखिए ये विश्राम गृह बना हुआ है जहाँ पे आप बैठ सकते हो, काफी सुंदर से बना के रखे हो भाई। लकड़बग्गा देखने को मिलेगा गाइस, ये देखिए यहाँ पे। वैसे तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा है लकड़बग्गा, खाली है। अभी आधा अधूरा काम बचा हुआ है, मतलब कि आधा से ज्यादा काम बचा हुआ है। जैसे कि भाई साहब ने बतलाया हमें, अभी हम लोग घड़ियाल मगरमच्छ ये सब देखने वाले हैं, फिर से रिटर्न जाना पड़ेगा। एक चीज बोलना चाहूंगा मैं आपको, यहाँ पे प्रत्येक सोमवार यानी कि मंडे के दिन में ये गार्डन बंद रहता है, जंगल सफारी। अधिकतर गार्डन बंद रहते हैं क्योंकि जंगल को साफ करना होता है गाइस। तो फाइनली अब देखने को मिलेगा,
कम से कम 500 मीटर हम लोगों ने चला है। अब यहाँ पे गेंडा देखने को मिलेगा, तो देख लीजिए भाई, ये आपको देखने को मिलेगा। पानी के अंदर में है, एक बाहर में है, सही से दिख नहीं पा रहा है। गाइस तब आगे बढ़ते हैं, घड़ियाल, तो यहाँ पे घड़ियाल करके लिखा हुआ है, घड़ियाल। ये घड़ियाल तो अभी फिलहाल नज़र कहीं नहीं आ रहा है। अच्छा, उस साइड में लेटा हुआ है, तो यहाँ पे एक घड़ियाल लेटा हुआ है। यहाँ पे काफ़ी घड़ियाल हैं, फिलहाल अभी एक दिख रहा है, अब वेट करना पड़ेगा, अगर कोई नज़र आता है तो मैं आपको दिखलाता हूँ। आगे देखते हैं आगे क्या देखने को मिलता है हमें। बोर्ड पे लिखा हुआ है कछुआ, अभी बहुत सारे कछुए हैं। तो गाइस देखिए कैसे कछुआ जो है खाना खा रही है, अभी सेवई दिया गया है इसको। फाइनली हम लोग अब मगरमच्छ देखने वाले हैं, काफ़ी बड़े एरिया में बना के रखे हुए हैं, और यहाँ पे कुछ लोग देख चुके हैं और कुछ लोग गाड़ी का वेट कर रहे हैं, गाड़ी यहीं पे आएगी। अब देख लेते हैं मगरमच्छ, अरे जस्ट सामने ही वहीं है। दोस्तों तो एक ही मगरमच्छ अभी यहाँ पे दिख रहा है, ये देखिए पानी के अंदर जा रही है, अरे ये गई अंदर। तैरते हुए जा रही है, अब हम लोगों का गाड़ी आ चुका है, भाई बैठते हैं और निकलते हैं, काफ़ी लेट हो गया है, 5 बजने वाला है। आज का ये व्लॉग कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया, तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना।